इनको दूसरे वाले कंपाउंड के अंदर आने नहीं देंगे। यू लेवल अप के प्लेयर्स को भी सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। ऊपर से भी वाल्डेस के प्लेयर शॉट्स ले रहे हैं, स्काउट उनको रिटालिएशन फायर दे रहे हैं। यहाँ पे हिल के ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा और इस रॉक के मवी यहाँ पे ओपन में आ चुके, कमाओ को जरूर ब्लो आउट डाउन कर देंगे बट मवी भी हो जाएंगे नॉक। फिलहाल ऑन को आखिरी प्लेयर बचे थे बट विंटर उनका भी खात्मा कर देंगे। अपने टीममेट को रिवाइव करना है और मवी को आई डोंट थिंक रिवाइव करने में सक्षम रह पाएंगे स्काउट। अभी इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। यूडू गैंग की स्क्वाड भी इसी के साथ एलिमिनेट हो चुके, यू लेवल आपके साथ भी डील करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गैलेक्सी रेसेस के प्लेयर्स यहाँ पे आ रहा है क्योंकि काफी करीब आ चुके हैं। सबसे ज्यादा किल्स T1 के पास है, चारों प्लेयर उनके पास है। टीम सीक्रेट के पास भी चार किल और चार प्लेयर है, बॉक्स गेमिंग के पास भी चार प्लेयर, बाकी नीचे टीम्स एक एक प्लेयर लॉस पे खेल रही है। बट चार्स इनको नॉकडाउन पूरा फिनिश करके स्काउट ने वो किल निकाला अपने लिए। वाल्डस के आर्म जो नॉकडाउन हो चुके टीम सीक्रेट के यू हाई के द्वारा। सेल्स पुश इन करना चाहती है आरआरक्यू के प्लेयर्स के ऊपर, D2 और नहीं रहेंगे उनके सामने, अल्ट्रा का डैमेज पड़ता नजर आएगा। डिफेंस सिर्फ अप्रोच में जाएंगे बिकॉज G9 की पोजिशनिंग बहुत ही प्यारी थी वहां पे, बट वाल्डस वर्सेस टीम सीक्रेट अब होता नजर आ रहा है। फाइनल कॉल, अब देखते हैं कौन सी टीम निकाली। वेलमॉथ आखिरी निकल के जाते, मैट टॉय ने बहुत ही प्यारी तरीके से M16A4 के बर्स्ट को यूटिलाइज करा और वाल्डस को पछाड़ा। टीम सीक्रेट के यूआई को क्या अब रिवाइव मिल पाएगा? जोन इतना जल्दी मूव नहीं कर रहा है, यूआई आराम से क्रॉल कर करके जोन के अंदर आ सकते हैं। बट मीनवाइल BTR के राइजन पूरा फिनिश करेंगे T1 के प्लेयर, BTR खुद भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब ये सिचुएशन बनेगी ला बैंडिटा के, वो डिप जो था उसके नॉर्दर्न साइड पे, एक ए ड्रॉप भी जरूर है बट सदर्न साइड से T1 आएगी। बॉक्स का स्क्वाड भी, अगर टीम सीक्रेट भी अभी फाइट लेती हुई नजर आएगी यू लेवल अप के साथ, जियो लेवल अप के हो जाओ और विंटर दो प्लेयर अभी भी जिंदा है, RRQ के तीन प्लेयर है, BR11 के लॉस पे खेलेंगे वो लोग भी। यस, और यू लेवल अप के विंटर के पास अच्छा खासा हाई ग्राउंड का कवरेज है बट इनको सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। और फिर से जोन जो फेवर कर रही है टीम RRQ के पास है, और RRQ हमको भी पता है जब सर्कल उनके पास रहता है तो क्या होता है, और चिकन डिनर ले जाते हैं। टीम सीक्रेट भी फिलहाल बची है बट कितने देर तक, क्योंकि ऑस्टिन ने यहाँ पे नॉक निकाल लिया। टेड के स्प्रे जाता हुआ, यू हाई भी ट्रेड ऑफ में पकड़े जाते हुए, ऑस्टिन एक्स ने यहाँ पे दो नॉक्स निकाल रखे। इंस्टेंटली उनको रिवाइव करने वाले टीम सीक्रेट के प्लेयर्स, इन्होंने भी स्मोक डाल रखा है बट एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे टीम सीक्रेट का खात्मा बन सकता है। बिल्कुल, इस वाले मैच में हम लोगों को वापस से डॉक्टर राइजर नजर आए थे जोन के बाहर हील बैटल कर रहे थे, बट फिर अब एक ग्रेनेड जाएगा जरूर सिनर्जी के प्लेयर्स का और ये एक बहुत ही बड़ा झटका देकर नजर आ सकता है। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को डैमेज जरूर पड़ा बट 1-1 HP हो चुके, एक एक बुलेट कनेक्ट करनी है बस प्ले जोन के थ्रू। मैट टॉय हो चुके फिनिश के, आई शॉट को नॉकडाउन करवाएंगे, एक बुलेट 10। यस, ऑस्टिन बॉटेक्स ने वहां पे एक नॉकडाउन करा बट आखिरी यू हाई प्लेयर बचा है। यस, टीम सिनर्जी टेकिंग डाउन टीम सीक्रेट बट उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी बिकॉज एक बहुत ही बड़ा डिप है और आतंकी ने नॉकडाउन करा यू लेवल अप के विंटर को, बट आतंकी खुद भी नॉकडाउन हो जाएंगे बिकॉज G9 का एक ग्रेनेड आएगा। ये फाइट थर्ड पार्टी होती हुई नजर आ सकती है। टीम सेल्स अल्ट्रॉन को भी थर्ड पार्टी शॉट्स पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बॉक्स के प्लेयर्स दूसरी साइड से शॉट डाल बट अर्नी ने लुई को नॉकडाउन करा बट T1 के प्लेयर्स दे आर समहाउ मैनेजिंग देयर वे इनसाइड द जोन और एक ग्रेनेड पड़ेगा, ब्रेक नॉकडाउन कर सकते हैं यू T1 की योजवान को बट डैमेज नहीं पड़ा बिकॉज ब्रोकन वॉल के पीछे गिरा था वो वाला ग्रेनेड बट बैक टू बैक ग्रेनेड फेंक रहे हैं ब्रेक बट एक भी अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे तीन स्क्वाड्स आए गए सब मौजूद है आसपास बट बॉक्स और T1 की फाइट चल रही है। ऊपर से RRQ भी मजे ले सकती है, पिमे यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके, लुइस भी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके, RRQ की स्क्वाड पीछे से पुश कर रही है बट यौन जोन यहाँ पे उनको ZZP को भी रिवाइव देना है। सेडन ने फिलहाल G9 को नॉक कर दिया। यहाँ पे तीन स्क्वाड्स के बीच में अभी भी एक घमासान फाइट चलती हुई, RRQ भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है बट उससे पहले अपने टीममेट को रिवाइव करना चाहेंगे। D2E का ग्रेनेड जाता हुआ लुइस को कर चुके फिनिश। यहाँ पे लोकी भी काफी लो एचपी पे थे, इंस्टेंटली वो भी हील अप करने की कोशिश करेंगे। यू लेवल अप के विंटर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं बट इससे पहले हमने देखा ऑस्टिन ने बहुत ही शानदार तीन किल्स निकाले थे, टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को एलिमिनेट करा था। आज M16 का भी प्रहार देखने को मिल रहा है बट ब्रेक का ये ग्रेनेड जाता हुआ ZZP को फिनिश करेगा बट आतंकी विल बी द वन टेकिंग डाउन विंटर। और इसी के साथ आई गेस यू लेवल अप की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेशन के कगार पे है। बिल्कुल, बट आतंकी खुद भी नॉकडाउन, अब देखते हैं रॉक्स आखिरी प्लेयर बचा किस तरीके वाले फाइट निकाल बिकॉज पीछे RRQ का भी एक प्रेशर आएगा और पीछे यू लेवल अप का एक और प्लेयर बचा हुआ, देखते हैं वो फाइट कैसे निकलेगी। बट होजुआन ने अल्ट्रॉन को पूरा फिनिश करा, इसके चलते टीम सेल्स हो जाएगी फिनिश। आखिरी किल भी होजुआन के खाते में जाता है, होजुआन के साथ किल आउट ऑफ दोस 8, ही इज अ गॉड राइट नाउ। देखते हैं वो एक जो लक्सी वाला फिनिश जो एक टच था वो दे पाएंगे कि नहीं। एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने पेशेंटली वेट करा है प्लेयर्स को अपना मूव करके, उनको करने दिया है जो वो करे बट फिर आखिरी में एक वो पॉलिश जो दिया है वो दिया है होजुआन ने। देखते हैं कितना और डीप जा पाते इस वाले मैच में, बहुत सारी रिजेस रहेंगे जो कवर बन के उनके लिए आगे खड़ी रहे बट RRQ का स्क्वाड दैट विल बी अ थ्रेट। RRQ और मीरामर दोनों एक अलग ही यू कैन से डिफरेंट ही लव स्टोरी है इन दोनों यू कैन से नाम के बीच में। मीरामर और RRQ फाइनल सर्कल हमेशा नजर आते हैं। देखते हैं अर्नी G9 ये तीन प्लेयर्स किस तरीके से एंड करेंगे बट बॉक्स के प्लेयर्स उनको पता है T1 के प्लेयर्स है, क्या यौन जोन फिनिश हो पाएंगे। एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक्ड है सेडन बट एक
और अगर पुश हो जाना, बट दो प्लेयर वन वर्सेस टू कर चुका यौन और ये फाइट अपने लिए निकालेंगे सिंगल टैप्स के चलते, बैक टू बैक किल्स कंफर्म करेंगे, बट दूसरी साइड पे आरआरक्यू की फाइट कंटिन्यू होगी। अब बॉक्स के पे में ही इज लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये फाइट क्या निकाल पाएंगे या तो फिर सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए जाएंगे, बाहर गए तो खतरा जरूर उनके लिए बना रहेगा। और यौन जो यहाँ पे कोशिश करने वाले थे सेडन को रिवाइव देने की, बट आई गेस टाइम नहीं है, सर्कल के अंदर इनको प्रवेश करना है। यू लेवल अप के होजवान अभी भी जिंदा है, बट कैसे करती है टीम आरआरक्यू ऐसी प्रेडिक्शंस ऑन पॉइंट ऑल द टाइम। लोकी को यहाँ पे इन्होंने फिनिश कर दिया, D2E ने यहाँ पे सेडन का किल कंफर्म कर दिया, चार किल्स बस इन्होंने निकाले, बट स्टार्टिंग से हमने देखा था नॉर्दर्न रोटेशन लिए थे, वही जगह पे बैठे रहे और वही पे ही सर्कल बना, काफी टेक्सटबुक का फिनिश देखने को मिल सकता है आरआरक्यू के द्वारा। बट T1 के योनजुन अभी भी बॉक्स पे में के साथ इनका फाइट चलता हुआ, पे में इंस्टेंटली प्रोन हो चुके हैं, योनजुन को किसी भी क्षण यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक डायनामिक पुश दे देते, एक फास्ट पुश दे देते, शायद पे में के खड़े होने से पहले ही उनको फिनिश कर जाए, बट योनजुन की तरफ पे में ने पुश करा और पे में उनको फिनिश कर देंगे। इसी के साथ बॉक्स के स्क्वाड ने कर दिया है T1 को गेम से बाहर, बट आरआरक्यू, ओह माय गॉडनेस, दीस गाइस आर अमेजिंग। बिल्कुल बैक टू बैक उन लोगों को एक जो डोमिनेशन था वो देख रहे हैं। होजवान ने आखिरी में कॉलिंग दी कि मैं यहां पे हूं बट आपको किल नहीं दूंगा, एक थोड़ा सा स्लो पेस फाइनल सर्कल देखने को मिला जहां पे हम लोगों को पता था आरआरक्यू जोन के अंदर एंड उनके लिए एक चिकन डिनर अवेट कर रहा है, बट जिस तरीके से आरआरक्यू ने पेशेंटली वेट करा, किल्स उनके पास ज्यादा नहीं थे बट उनको जब जब उन्होंने मीरामार खेला तब तब उन्होंने डोमिनेट करा, बट योनजुन जिस तरीके से उन्होंने फाइट निकाली वन वर्सेस टू, दो जो किल थे दैट वाज इंपॉर्टेंट, बट अभी साउथ ईस्ट एशियन